हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्या स्टूडेंट चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2019 में बाकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0001 mm। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है वो आर्गन गैस है। तो यह हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। जैसे हम अक्रिय गैस जानते हैं कि अक्रिय गैस 6 होती है, ये है 6, और ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व है, इसे दुर्लभ गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोरी जनजाति का संबंध किस देश से है। तो जो मायोरी जनजाति का संबंध है वो हमारा न्यूजीलैंड से है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हुआ, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फीफा जो है वो 2022 का कतर में आयोजित किया जाएगा। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है, कतर, पांचवा का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक प्रसिद्ध लैगून झील है। तो ऑप्शन में दिया है डल, पुलिकट और चिल्का और मानसोबेर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो चिल्का वाला सही होगा। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो जो वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करते हैं अर्थात बदलते हैं तो उस पर अपरिवर्तित रहता है, तो ये घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में पलायन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो जब समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो समुद्र की सतह से 1/10 भाग ऊपर रहता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमीटर से किसकी माप की जाती है। तो मोनोमीटर से हम गैसों के दाब को हम मापते हैं। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, गैसों के दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक खुल्लम खुल्ला का लेखक कौन है। तो जो पुस्तक है खुल्लम खुल्ला, इसके लेखक हैं ऋषि कपूर। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक ऋषि कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड होता है। ऑप्शन दिया है जीवाणु, बी ऑप्शन दिया है फंगस, और सी है विषाणु, और डी है कवक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जीवाणु ही सही होगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, ए वाला जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जब किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसका आवर्त है वो बढ़ जाएगा 2% बढ़ जाता है। ऑप्शन तो बहुत दिया है, जैसे 8% बढ़ जाएगा, 1% बढ़ जाएगा, 4%, लेकिन यहाँ पर जो 2% दिया है यही सही होगा। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी मात्रक है। तो जो पारसेक मात्रक है वो दूरी की मात्रक है, तो पारसेक दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात इसका सी वाला ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का मात्रक होता है। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है
विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये हमारा वोल्ट ऑप्शन भी दिया है, तो ये हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन दिया है इसका 24, 22, 12, 30। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें हम 22 सदस्य को रखते हैं, और लोक लेवा समिति में प्रकलन समिति का जुड़ना वहन भी कहा जाता है, और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है? तो जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है वो टीबी मेमोरी होती है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन दिया है, टीवी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है? तो परमाणु में सबसे अधिक हल्का जो कण होता है वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन भी दिया है, इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? तो जो गैलेना अयस्क है वो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में सोना दिया है, बी दिया है एल्यूमिनियम, और सी दिया है सीसा, और डी दिया है रेडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सीसा सही होगा, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, परसे कांच मुख्यतः होता है? ऑप्शन दिया है साधारण कांच, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, और बी दिया है ऊष्मा अवशोषण कांच, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी वाला सही होगा, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस वर्ल्ड NRI डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मार्च, बी है 18 दिसंबर, और सी है 11 जुलाई, और डी है 20 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका बी वाला सही होगा, 18 दिसंबर, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? ऑप्शन है इसका मलेरिया, पित्त ज्वर, डेंगू और प्लेग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला सही होगा, ये प्लेग रोग नहीं होता है मच्छर काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता की सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दिया है न्यूटन ने, बी है पास्कल, और सी है आइंस्टीन, और डी दिया है आर्कमिडीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सी वाला, आइंस्टीन ने दिया है, तो ये 24वां का सी वाला ऑप्शन सही है, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है? ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है ग्रोबोमीटर, और डी है लैक्टोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोमीटर। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए जैसे आपको क्वेश्चन कोई गलत हो या डाउट लगता हो तो। यहाँ दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हम लोग डेली अपलोड वीडियो करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो डेली अपलोड मिल जाएगा।